जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव की नंद की। चैतन्य महाप्रभु ने और उनके सभी निकटतम शिष्यों ने धर्म का ही प्रचार किया। जितने भी शिष्य यहां पर बैठे हैं, जरा ध्यान से सुने। सभी शिष्य, गुरु को वही शिष्य पसंद है जो धर्म का प्रचार जन जन तक पहुंचाता है। गुरु को वही शिष्य पसंद है जो अपने धर्म को आगे बढ़ाता है। गुरु को वही शिष्य पसंद है जो अपना बेड़ा पार करने में पीछे नहीं रहता, सबसे आगे नजर आता है। गुरु को वही पसंद है, वही शिष्य पसंद है जो चेला हमेशा प्रभु को पाने की इच्छा के साथ जिंदा रहता है। ये जो संसार की वार्तालाप है, ये तो दुनिया के लोगों को पसंद है। गुरु को और गोविंद को तो यही पसंद है कि किसी भी तरीके से तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो, तुम्हारा कल्याण हो, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना कर, कुछ तो करना पड़ेगा। पारसमणि जिसके कूड़ेदान में पड़ी हो और वहां पर अगर ये नाम महत्वपूर्ण है, अब आप पूछेंगे महत्वपूर्ण क्यों है साहब? पारसमणि क्या करती है? पारसमणि लोहे को सोना करती है, पारस नहीं करती है। करती है क्या? जोर से बोली, क्या पारसमणि लोहे को पारसमणि कर सकती है? तो क्या करती है? लोहे से सोना बना देती है, एक दो स्टेप आगे बढ़ा देती है, लेकिन अपनी लेवल पे लाके नहीं खड़ा करती। लेकिन संत गुरु वो अपने से नीचा नहीं बनाते। कोई भी संत का सानिध्य करोगे, किसी भी गुरु का सानिध्य करोगे, तो वो अपने जैसा नहीं, अपने से नीचा नहीं, अपने जैसा या अपने से भी महान बना देते हैं। इसका प्रमाण है ध्रुव, इसका प्रमाण है प्रहलाद, इसका प्रमाण है वेद व्यास जी, इसका प्रमाण है वाल्मीकि ऋषि। बोले महाराज आजकल, बोले आजकल भी बहुत प्रमाण है, नजर घुमा के देखोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे। बोले महाराज हम पर तो असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि शायद आप उतने अच्छे शिष्य नहीं बन पाए। गुरु का एक एक वाक्य पारसमणि से ज्यादा कीमती है। कुछ नहीं, जो गुरु ने मंत्र दिया है अगर उसी में सच्ची निष्ठा हो जाए, परमात्मा की मजाल के तेरे आने से मना कर दे। क्या परमात्मा की इतनी मजाल है कि वो आने से मना कर दे? नहीं करेगा। अफसोस इस बात का है कि मेरे दिल में उतनी ईमानदारी नहीं है। जो विश्वास होना चाहिए, जो ध्रुव को था, जो प्रहलाद को था, जो वेद व्यास जी को था, जो वाल्मीकि ऋषि जी को था, वो विश्वास मुझ में नहीं है। अब विश्वास वो कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाए थे, उनमें था, उन्होंने उसे डेवलप किया, हमें भी वो डेवलप ही करना पड़ेगा। मुझे पता होगा कि मेरे गुरु का वाक्य मेरे कल्याण के लिए सबसे अमोघ शस्त्र है। उस वाक्य पर निकल जाइए मेरे भाई बहन। पारसमणि से भी ज्यादा कीमती है आपका वो मंत्र जो आपके गुरु ने आपको दिया। पारसमणि से बना हुआ स्वर्ण सिर्फ आपके यहां काम आता है, और आपके गुरु के द्वारा हुआ दिया हुआ नाम आपके यहां भी काम आता है और वहां भी काम आता है। इसलिए पारसमणि को कचड़े में डाल दो, लेकिन नाम को अपने हृदय रूपी तिजोरी में चाबी से ताला लगा के बंद रखो। यही पारसमणि से भी ज्यादा कॉस्टली है गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम धन। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये नाम धन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु जी और उनके निकटतम पार्षदों ने बहुत पूरे भारतवर्ष में ही किया। और भी अगर ठाकुर जी ने चाहा तो मैं कल चैतन्य महाप्रभु के कुछ प्रसंगों को और सुनाऊंगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए
यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ ठाकुर_जी फॉलो करें।